आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज खबर दानापुर से है। दिव्यांग विकास मंच के द्वारा विश्व दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं सचिव पप्पू कुमार ने बताया कि 1992 के बाद से विश्व दिव्यांग दिवस दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति करुणा और विकलांग के मुद्दों की स्वीकृति को बढ़ावा देने और उन्हें आत्म सम्मान अधिकार और विकलांग व्यक्तियों के बेहतर जीवन के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए एक उद्देश्य के साथ मनाया गया। इस मौके पर विभा मिथिलेश संतोष अरुण शोभा अजय केसरी एवं अन्य कई लोग मौजूद थे। सर मैं दिव्यांग लोग को बहुत सी परेशानियां होती है साइकिल लेने में, और जहां दिव्यांगों के कार्यालय खुला हुआ है वहां पर ही जाने के वक्त दिव्यांगों को साइकिल भी नहीं मिल पाती है और कोई चीज का भी सहायता नहीं मिल पाती है। वहां जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि विधायक से मिलो, संसद से मिलो। सब क्या दिव्यांगों को संसद और विधायक से परिचित है, इसलिए हम सरकार से यह कहते हैं को जिस तरह से सब जाति को और ST ST को भी जिस तरह से ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, उस तरह से भी दिव्यांगों को भी विशेष ध्यान दे और इन पर काम करे, और जो शिक्षित है उनको नौकरी दे। 400 रुपया हमको भीख नहीं चाहिए, हमको 400 रुपया हमको भीख नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए और रोजगार चाहिए, यही कहना चाहते हैं। मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। दिव्यांग दिवस है क्या? आज दिव्यांग दिवस है और मैं दिव्यांग विकास मंच के अध्यक्ष हूँ। और मतलब कि 2000 इसका 1991 से ये लागू हुआ है 3 दिसंबर के बारे में, और 1992 में मतलब कि ये संविधान उस समय से चलते आ रहा 3 दिसंबर को कि हमारा दिव्यांग को दिव्यांग दिवस मनाने के लिए एक सरकार ने प्रेरित दे दिए हैं कि 3 दिसंबर को प्रति साल लोग उत्साह मनाएं, और हम लोग अपने बलबूते पे ये 3 दिसंबर को अपना मना रहे हैं। और सरकार से एक छोटी सी ब्यौरा है कि हर स्टेट में विकलांग को उचित दर्जा दिया गया, लेकिन हमारे बिहार में क्यों नहीं? जो हमारे साथ है इर्द गिर्द जितने भी हैं सभी शिक्षित व्यक्ति हैं, क्योंकि ये भी कोरोना का टाइम चला हुआ इसलिए हम लोग दूर से किसी को नहीं बुला सकते हैं, और अशिक्षित व्यक्ति के जो भी हमारे इर्द गिर्द के ही हैं, और सबको एक ही दर्द है कि हमें रोजगार चाहिए या रोजगारी भत्ता चाहिए, इससे सिवा किसी को कुछ नहीं चाहिए। और ये 400 रुपया का पेंशन से किसको क्या होने वाला है? दाल रोटी को छोड़ दीजिए, नमक रोटी भी नहीं मिल पाएगा। ये 400 की अगर आंकड़ा जोड़ा जाए तो क्या होगा? 10 रुपया की रोज भी 12 रुपया पड़ेगा, इससे क्या होने वाला है? सरकार को ये पता है, लेकिन बात चुकी वो अपने कानून में लिख चुके हैं, किताबों में लिख चुके हैं, दीवारों में छाप चुके हैं, लेकिन हमारे विकलांग भाई और बहनों के साथ कुछ नहीं पहुंच रहा है। इसी दौरान को मतलब कि हमारे जो भी जागरूक हैं, हम लोग तो इस सारे क्षेत्र में तो शिक्षित हो चुके हैं, लेकिन अगर मैं देहाती क्षेत्र में जाऊँ तो दर्द भरी कहानियाँ होती है। उन्हें अपना मतलब कि ये जानकारी नहीं है कि हम विकलांग हैं तो हमारा क्या अधिकार है। उनको अधिकार दिलाने के लिए मैंने दिव्यांग विकास मंच को खोल चुकी हूँ, और हमारे साथ हमारे बहुत सारे भाई बहन ग्रुपिंग में हैं, और वो लोग देहात में जाकर के भी इस चीज को बढ़ाने का प्रेरित कर रहा है। लेकिन हमारे सरकार को अभी कहां तक जू नहीं गया है, हमारे नीतीश कुमार जी इनको तो हम लोग फिर से जिता चुके हैं, और फिर भी देखिए क्या होता है आगे। प्रेरित तो कर चुके हैं कि विकलांग के लिए ये है, नाम चेंज कर दिया गया, लेकिन काम चेंज नहीं हुआ है। सरकारी दफ्तर में पहले से भी घटिया काम हो गया है, वो लोग क्या फंटा एजेंडा बना चुके हैं, ये फलना अध्यक्ष करेगा तो विधायक करेगा, सांसद करेगा। भाई विकलांग है, सांसद और कहाँ कहाँ जाएगा? जहाँ ऑफिस खोल चुका है वहाँ लोग को भेजिए, वहाँ से काम होना चाहिए, लेकिन ऑफिस में काम नहीं होता है। खास करके ये बड़े लोग के ही काम होता है, जो गरीब है उसे न पेंशन मिल पाएगा न रोजगार मिल पाएगा, और रोजगार कहाँ से मिलेगा? ये देने के लिए घोषित किए हैं निःशुल्क प्रशिक्षण, क्या प्रशिक्षण देते हैं? ऐसे टीचर हैं कि उनको खुद नहीं सिखाने आता है, वो क्या प्रशिक्षण देंगे? ऐसे लोग हमारे यहाँ बहाली हो चुके हैं। दूसरी बात है कि उनको रोजगार करने के लिए निःशुल्क मुहैया करवाए हैं कि हमें निःशुल्क पैसा दे रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख तक ले लीजिए, लेकिन उसमें कितना बड़ा प्रोसेस है लंबा, वो हमारे दिव्यांग भाई बहन नहीं कर सकते। अगर हमारे पिताजी सर्विस में होते तो हम आपसे 1.5 लाख रुपया क्यों लेते? और हमारे पास इतना बड़ा प्रॉपर्टी होता आपको कानून दिखाने के लिए, सबूत दिखाने के लिए, हम बड़ा आदमी हैं,
भाई प्रूफ चाहिए। प्रूफ क्या चाहिए? विकलांग है, प्रूफ है, हमारा कागज प्रूफ है, हम मर जाएंगे पैसा जाएगा, जियेंगे पैसा लीजिएगा नहीं है भाई। प्रूफ चाहिए, प्रूफ क्या चाहिए? विकलांग है, प्रूफ है, हमारा कागज प्रूफ है, हम मर जाएंगे पैसा जाएगा, जियेंगे पैसा लीजिएगा, हमारा डॉक्यूमेंट्स पर काम होना चाहिए। लेकिन नहीं, डॉक्यूमेंट्स पे काम नहीं होने वाला है। अब भाई आपका पिताजी सर्विस में है तो आपका काम होगा, आपका बड़ा सा घर है तो आपका काम होगा।